मॉर्निंग फोर्थ क्लास, आप सभी संस्कृत की बुक निकालेंगे, सभी निकालें। चैप्टर नंबर 7 अपादान कारकम। हमने उस दिन आपको चैप्टर से अच्छे से समझाया था, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से अलग की जाती है तो क्या होता है, अपादान कारक, उसे ही अपादान कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान का चिन्ह होता है से, अलग होने में, ठीक है, से अलग होने में। हमने चैप्टर को पढ़ा था, उसके शब्दार्थ किए थे। आज हम उससे आगे की एक्सरसाइज करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक निकालें, बुक में फिल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सम्यक उत्तरम चिन्हांकित, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए, ठीक है। पहला है हमारा पथिक है आगच्छति, पथिक है आगच्छति, ठीक है। ये ग्रामर विद्यालयात देवालयात, ठीक है। गांव लिखेंगे, पथिक, पथिक है आगच्छति, यात्री आता है, कहाँ से आता है, गांव से, विद्यालय से या देवालय मंदिर से, कहाँ से आता है, लिखेंगे ग्रामात। अगला है हमारा जलम पत्ती, जल गिरता है, कहां से गिरता है, इसीलिए उपात झरेभ्य है, कहाँ से गिरता है जल, लिखेंगे झरे पे है, झरने से। नंबर 3 आदित्य मत्स्य आनयति, आदि जो है वो मछली लाता है, आदित्य मछली लाता है, कहाँ से, विख्यात तड़ागात। अगला है आपणात, सभी लिखेंगे कहाँ से लाता है मछली, वृक्ष से तो आती नहीं है, तड़ागात तालाब से, आपणात बाजार से, तो कहाँ लिखेंगे, तड़ागात तालाब से। सभी लिखे इसको अपने बुक में फिल करेंगे।
नंबर फोर है सरपात, गीत है धावती, सांप से डरा हुआ दौड़ता है, महिला जल वृद्ध है बूढ़ा। सभी इसको अपने बुक में फिल करें। सभी अपने बुक में फिल करेंगे इसको। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। सभी ने लिख लिया, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। अधोलिखितेषु वाक्येषु उचितं पदं प्रयुज्य लिखत निम्नलिखित वाक्यों में उचित पद का प्रयोग करके लिखिए। आगच्छति
तो क्या लिखेंगे, ये है ग्राम है, इसको पंचमी विभक्ति में लिखेंगे ग्रामार। ऐसे आगे है थर्ड डैश भीतर वृद्ध है धावती, लिखेंगे सर्प है, इसको पंचमी विभक्ति में लिखेंगे सर्पात। ठीक है, आगे नंबर फोर है आदित्य डैश मत्स्य आनयति, लिखेंगे पंचमी विभक्ति में लिखेंगे तड़ागात। ठीक है, आगे नंबर फाइव है डैश गंधन प्रभृति, गंध उत्पन्न होती है कहां से, मिष्ठानम, लिखेंगे मिष्ठानेभ्य, मिठाई की दुकान से गंध उत्पन्न। सभी के अपनी बुक में फिल करेंगे इसको अच्छे से। सभी क्लास अच्छे से फिल करें इसको अपनी बुक में साफ और सुंदर राइटिंग में। सभी लिखेंगे वाक्य दिए गए हैं हिंदी में, उसका हमें क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद, क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद। सभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, सभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री संस्कृत अनुवाद लिखत, संस्कृत में अनुवाद लिखें। क्वेश्चन नंबर थ्री
यात्री गांव से आता है, लिखेंगे आंसर, लिखेंगे पथिकः ग्रामम् आगच्छति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ख, राधा बाजार से सब्जी लाती है, लिखेंगे आंसर, लिखेंगे राधा आपनाथ बाजार से शाकानी सब्जी आमिरी लाती है। सभी लिखे ग, आदित्य तालाब से मछली लाता है, आदित्य तालाब से मछली लाता है, लिखेंगे आदित्य है तालाब, आंसर आदित्य है तड़ागात मत्स्य आहिती। ठीक है, आगे है सांप से डरा हुआ बूढ़ा दौड़ता है, लिखेंगे सांप से डरा हुआ कौन था, बूढ़ा, सांप से डरा हुआ बूढ़ा दौड़ता है, आंसर लिखेंगे सर्पात भीतः वृद्धः धावती। सभी लिखेंगे, ये हमारे संस्कृत में अनुवाद थे, ठीक है, हिंदी के शब्द थे, उसकी हमें क्या थी संस्कृत बनानी थी। सभी लिखेंगे इसको अपनी अपनी बुक में अच्छे से फिल करें। सभी क्लास अच्छे से इसको अपनी कॉपी में फिल करेगी, बुक में। आज हम क्वेश्चन 3 ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम कल से करेंगे, आपको ये सभी अपनी बुक में अच्छे से फिल करनी है। ओके क्लास,
हम इतना ही करेंगे, आगे की अभ्यास क्रिया हम कल करेंगे। सभी बच्चों को करना है ये काम, साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना। समझ में आया क्लास? ओके, थैंक यू।